हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल कर्मियों के बोनस को लेके आज बैठक होना था और वो बैठक हो चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना बोनस आखिर तय किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी कामगार हैं उनको लेके। सालाना बोनस को लेके मैं बात कर रहा हूँ, यानी दुर्गा पूजा बोनस को लेके बात कर रहा हूँ, जिसको लेके कोल इंडिया लिमिटेड के 2,43,000 कर्मी यानी कि लगभग 2.5 लाख कर्मी इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ 49,000 कोल कर्मी जो SCCL यानी सिंगरौनी कोलियरिस कंपनी लिमिटेड में काम करते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे, यानी लगभग 3 लाख कोल कर्मी इस बैठक को लेके इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ जो भी ठेका कर्मी हैं, ठेका मजदूर हैं, उनको भी बोनस का इंतज़ार था। तो इसको लेके आज यानी 4 अक्टूबर को बैठक तय किया गया था नई दिल्ली में, तो वो बैठक तय हो गया था और जैसा बैठक किया गया उसमें काफ़ी बार्गेनिंग भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस बार बोनस जो है वो काफ़ी खुश करने वाला बोनस नहीं है। जैसे लोगों को उम्मीद था कि 1 लाख रुपया डिमांड रखा गया है बोनस में, तो जो बोनस होगा वो लगभग कम से कम 75,000 रुपया के आसपास मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना था। बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो DA है और जो BDA है इसको फ्रीज कर दिया गया था लंबा टाइम से कोरोना के कारण, कोविड के कारण, तो उन चीज़ों को लेकर भी और कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया गया था कोल कर्मी को। तो कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा था तो अकेला कोल कर्मी काम कर रहे थे, तो इसको लेके बहुत से उम्मीद थे लोगों का, तो वो उम्मीद इस बार पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि बोनस जो है उसमें मामूली सा इंक्रीमेंट किया गया है। पिछले बार 68,500 रुपया बोनस दिया गया था और इस बार जो तय किया गया है बोनस वो 72,700 रुपये तय किया गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कोल इंडिया मैनेजमेंट के द्वारा या जो यूनियन है उनके द्वारा अभी तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन अंदर का जो खबर है जो नई दिल्ली से आ रही है वो ये है कि 72,700 रुपया बोनस तय किया गया है। अगर इसमें इन्फ्लक्चुएशन भी दिखता है तो लगभग 1,000 रुपया के आसपास का इन्फ्लक्चुएशन होगा, यानी 72,500 लेके 73,500 तक के बीच में ही बोनस आपको मिलेगा इस बार दुर्गा पूजा के लिए। और जो खबरें थी वो ये थी कि कोल इंडिया लिमिटेड के लिए जो ट्रेड यूनियन होते हैं सभी ट्रेड यूनियन में इस बार भी इंटक पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इंटक का जो आपसी विवाद चल रहा था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, जिसके चलते इंटक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो बाकी के जो ट्रेड यूनियन थे यानी BMS थे, भारतीय मजदूर संघ थे, HMS थे, हिंद मजदूर सभा थे, सिट्टू थे, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन थे, एटक थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे, ये 4 ही ट्रेड यूनियन बैठक में पार्टिसिपेट कर पाए थे। और यही 4 यूनियन जो कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट है और अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन सब के साथ बार्गेनिंग किए और बार्गेनिंग करने के बाद 72,500 रुपया या 72,700 रुपया तय किया गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, जब भी आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, यही आपका बोनस है ये मान लीजिए, तय कर लीजिए। इस बार अगर बोनस में कमी देखने को मिली है, एक मामूली सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो उसका बहुत सारा कारण बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि JBCCI 11 का जो बैठक है वो सबसे बड़ा इसमें बाधा बन रहा था, क्योंकि JBCCI 11 का बैठक में जो पहला इंट्रोडक्टरी बैठक कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं श्री प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने ये बता था कि भारत के जो कोयला स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, अभी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड का जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें उतना ज़्यादा इजाफा नहीं आ पा रहा है, और अगर वेतन वृद्धि 10% भी किया जाता है तो 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर में आ जाएगा। तो जिसके चलते उनका ये कहना है कि कोल इंडिया मुनाफा तो कर रही है लेकिन जितना मुनाफा कर रही है उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, और तो और कोल इंडिया का फ्यूचर को लेकर बहुत सारा प्लान है, 2 सब्सिडरीज खोलना है कोल इंडिया लिमिटेड को, तो उन चीज़ों के चलते जो बोनस है उसमें भी कम राशि का इजाफा हो पाया। और JBCCI में भी उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि उतना इंक्रीमेंट देखने को शायद ना मिले। JBCCI में भी 50% वेतन वृद्धि का मांग रखा गया है। अब देखते हैं ये आगे कितना हो पाता है। आपको क्या लगता है, ये बोनस सही था, गलत था, इसमें कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था, आखिर आपका बोनस कितना मिलना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ज़रूरी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।